रहेगा। हर चीज में ये मत सोचो क्योंकि तारीख में हिस्ट्री में जिन जिन औरतों ने पर्दे को पकड़कर मुकम्मल पर्दे के साथ अपनी तरक्की करनी चाहिए उनके नाम आज तक दुनिया में लिए जा रहे हैं। आज पर्दा हमारी ढाल है, हमारी इज्जत है, हमको ये मकाम अदा करने वाला है, ये वहशी दरिंदों से गंदी नजरों के मर्दों से मुझे आपको बचाने वाला है, बचाने वाला है। हमारी सहाबिया मुकम्मल पर्दे में रहकर दुनिया की सबसे पहली मेडिकल सर्जन बन सकती है, तो क्या मैं और आप एक अच्छी डॉक्टर भी बन सकती? कौन है मेरी बहनों, कोई बता सकती है दुनिया की सबसे पहले मेडिकल सर्जन वुमेन कौन है? मेडिकल सर्जन औरत कौन है, जानती है आप कौन है? हमारी एक सहाबिया है रुफैदा अल इस्लामिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है बोलो? रुफैदा अल इस्लामिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो मुकम्मल पर्दे के साथ रहकर वो मेडिकल सर्जन बनी, दुनिया की पहली मेडिकल सर्जन बनी। हमारी सहाबिया रुफैदा अल इस्लामिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हम उनके बारे में नाम भी नहीं जानती, हम तो ये समझती है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पर्दे को उतारना पड़ेगा, हिजाब को निकालना पड़ेगा। नहीं मेरी बहनों, नहीं, याद रखना कि पर्दा मेरी और आपकी शान है, इस्लाम की हमको दी गई इज्जत है, इसको मत उठाओ, इसको मत उठाओ। मेरी बहनों, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली मुसलमान औरत है जो मुकम्मल बापर्दा थी, कौन है? फातिमा अल पहरी। ये उनकी यूनिवर्सिटी है मेरी बहनों जो आज तक कायम है। 859 क्रिश्चियन एरा में इन्होंने बनाया था पहली यूनिवर्सिटी, पहली दरगाह उन्होंने बनाया था फातिमा अल पहरी, एक औरत मुकम्मल पर्दे के साथ रहकर। तो क्या मैं और आप मुकम्मल पर्दे के साथ रहकर अपने इल्म को हासिल नहीं कर सकती, दीन और दुनिया का इल्म हासिल नहीं कर सकती? कर सकती है मेरी बहनों, पर्दे के साथ रहकर, बेपर्दा होकर। मेरी बहनों, अगर मैं आपको एक आसान और ताजा मिसाल अगर दूं ना, ताजा मिसाल आपके सामने है, मुझे बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ औरतें नजर आ रही है, देखो अच्छे से देखो, दिख रहा कुछ औरतें नहीं थी, जानती है पूरे पर्दे में है ना, इनो नहीं तो इनका पर्दा पूरा इधर उधर है क्या? देखो अच्छा, पूरे पर्दे में है, पूरे बुरखे में है ना, आप जानती है ये 10 औरतें कौन है? बीबीसी की रिपोर्ट उठाइए, बीबीसी ये एक न्यूज चैनल है, बीबीसी उर्दू, जाइए घर में जाकर 15 फरवरी 2021 की रिपोर्ट देखिए, ये वो 10 खवातीन है जिन्होंने यमन जो कंट्री है ना, यमन का पहला सोलर हाइड्रोगढ़ बनाया जिससे वो बिजली को सेव कर रही है। ये करंट, ये पावर है ना, वहाँ यमन में सबसे पहला सोलर हाइड्रोगढ़ बनाने वाली ये 10 हमारी बापरदा मुसलमान औरतें, हालहाल की रिपोर्ट है ये। मेरी बहनों, ये हमारी माएँ और बहनें पर्दे में रहकर काम कर सकती है, पर्दे में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे सकती है, उम्मत को फायदा पहुंचा सकती है, तो क्या मैं और आप पर्दे में रहकर काम नहीं कर सकती? ये हमारा बहाना है मेरी बहनों, बहाना है जो हमने आज बना लिया। बापर्दा रहो, बेपर्दा अपने आप को मत करो। हम मुसलमान औरतें हैं, मुसलमान औरत की शान है पर्दा, उसको मत गिराओ, वरना तुम अपने मकाम और मर्तबे को गिरा बैठोगे, अपनी जन्नत को हाथ से दो बैठोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आखिरी जमाने में कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको मैंने नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो औरतें कौन होंगी, वो दो किस्म की औरतें कौन होंगी जिनको अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा, वो कौन होंगी? एक तो वो होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, दूसरी वो होंगी जो बुख्ती हूँ उनकी कौमान की माने तो अपने सर के बालों को मुड़वाएंगी। आज हमारे सर के जूड़ों का फैशन चल रहा है ना, ये एक मुसलमान औरत का तर्ज अमल नहीं हो सकता। हमारा टाइट बुरखा, हमारे टाइट कपड़े, ये मुसलमान औरत की सिफत नहीं हो सकती। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपने आप को पापर्दा बनाओ, ढील